हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगोरा चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह से अमेज़न पर अगर आप ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं जीटीएन एग्जम्पशन के थ्रू और आपको एरर कोड शो होता है 5665, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस होता है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपने वीडियो देखी होगी कि किस तरह से हम लोग जीटीएन अजम्पशन लेते हैं अगर हमारे पास यूपीसी बारकोड्स नहीं है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपको अप्लाई करना होता है। बट अगर आप वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं और उससे पहले ही आपको एरर कोड शो हो रहा है, या आपने लिस्टिंग के लिए फाइल अपलोड कर दी और देन वहां आपको एरर कोड शो हो रहा है 5665 का, तो हमें किस तरह से उसे सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हमें सिंपली इमेजेस अपलोड करनी होती है अपने प्रोडक्ट की रो इमेजेस अपलोड होती है। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट पर आपका ब्रांड नेम उसमें क्लियरली शो होना चाहिए, उसे अपने प्रोडक्ट को आप टेबल पर प्लेस करेंगे, रखेंगे और उसकी फोटोज क्लिक करेंगे अपने हाथ में लेकर, आप अपने प्रोडक्ट की फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ किस तरह से आपको फोटोज क्लिक करनी है। ये देखिए, इस तरह की आप किसी कपड़े के ऊपर रखकर अपने प्रोडक्ट की इमेज शो क्लिक कर सकते हैं, हाथ में लेके क्लिक कर सकते हैं या कहीं पे प्लेस करके आप उसे रखकर फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह से एरर कोड शो होता है। हम अपना अमेज़न का अकाउंट लॉगिन करेंगे। यहाँ आपको होम पेज पर यहाँ से ये होम रिमूव करके सेम प्रोसेस है जो हम जीटीएन एग्जम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ GTINX टाइप करना है और यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आपको जिस कैटेगरी के लिए अप्रूवल लेना और उसमें जो एरर आ रहा है, आप जिस ब्रांड नेम से यहाँ पर अप्रूवल लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ टाइप करना है, अपने ब्रांड का नाम, चेक फॉर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। ये देखिए, ये कोड हमें इस तरह से एरर जो आता है हमें इस तरह से शो होता है। यहाँ पे ये एरर कोड मेंशन है, ये आपको शो हो रहा होगा। इसके लिए हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की इमेजेस शो करनी होती है और देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है, या तो आप उसे अपने हाथ में लेके फोटोज को क्लिक कर सकते हैं, उसे टेबल के ऊपर प्लेस करके आप फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। तो हम इस एरर कोड का भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग सेव कर लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें सिंपली दो तरह से हम लोग सेलर सपोर्ट पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एक होता है आपका मेल के थ्रू, एक होता है आपका कॉलिंग के थ्रू। तो प्रेफर मैं करूंगी कि आप मेल के थ्रू ही अप्लाई करें और अगर आपको सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करके ऑन कॉल भी आप इसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करना। मैं आपको कॉल का प्रोसेस भी बता देती हूँ, जब आप कॉल कनेक्ट करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लोग ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हमें ये होम पेज का मतलब हेल्प का पेज जो होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग और इन्वेंटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ट्रबल एडिंग का प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको शो होगा कि हमें कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन शो हो रहा है। तो हम इसी के थ्रू यहाँ से हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। अगर आपको मेल करना है तो आप मेल कीजिए, कॉल करना है तो आप यहाँ पर वो नंबर मेंशन कीजिए जिस पर भी आपको कॉल करनी है, या अगर आप चैट प्रोसेस यूज करना चाहते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कॉल पर सिंपली वो लोग आपसे सेम आपसे बोलेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट की रो इमेज शेयर करो और उस केस आईडी पे आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस शेयर करनी होगी। तो हम मेल के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिंपली एक फॉर्मेट है वो आप टाइप कर दीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, इसमें सिंपली लिखा है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। मैं वो फॉर्मेट यहाँ टाइप कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से आपको ये पूरा लिखना है कि आप जीटीएन एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर रहे थे और वहां आपको एरर कोड शो हो रहा था, तो इसी के रिगार्डिंग आपने स्क्रीनशॉट और जो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस है वो आप शेयर कर रहे हैं और इसे सॉल्व किया जाए एज सून एज पॉसिबल। और ब्रांड नेम आपको एज इट इज टाइप करना है जैसा आपके प्रोडक्ट पर मेंशन है और जिस ब्रांड नेम से आप यूज करके
अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके ब्रांड नेम में स्पेस नहीं है तो स्पेस मत यूज कीजिएगा, ना स्क्रीनशॉट के टाइम पर, ना यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट यूज करना है, ना यहाँ पर आपको स्पेस यूज करना है। तो ये है आपको प्रोसेस, और इसमें आपको फिर यहाँ नीचे ऑप्शन जो होगा एड अटैचमेंट, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस और वो एरर का स्क्रीनशॉट यहाँ आपको अपलोड करना है। तो मैं ये अपलोड कर देती हूँ। इमेजेस ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर अगर कोई ऑप्शनल फोन नंबर है तो आप दे सकते हैं, जिस पर अगर सेलर सपोर्ट को कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है और ये जो आपका केस है ये क्रिएट हो जाएगा। और देखिए इसमें मिनिमम हमें कितना टाइम शो कर रहा है, लेस देन 12 आवर्स। तो आप मिनिमम मान के चलिए, मिनिमम जो टाइम होता है वो 24 आवर्स का इसमें टाइम लगता है अप्रूवल आने में। अगर आपकी इमेजेस बिल्कुल ओके हैं तो आपका अप्रूवल विद इन 12 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा और आप अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम से लिस्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसेस कि हम किस तरह से एरर को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।